बारिश के बाद हर शहर में यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि जलजनित बीमारियां फैलती हैं, तो उसी के अवेयरनेस को लेकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एनडीएमसी की ओर से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। काफ़ी बच्चों को बुलाया गया है दिल्ली के स्कूलों से। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या कुछ सीखा है यहाँ पर अभी? क्या हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, और अगर जो हमें यहाँ पर सिखाया है वो हमें स्कूल को भी सिखाना चाहिए और अपने मोहल्ले वाले लोगों को भी समझाना चाहिए कि आसपास सफाई रखें। इस बार अगर कि डेंगू फैलता है या डेंगू को फैलने से रोकने के लिए आप लोग क्या करने वाले? हम मतलब जो भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है कहीं पे भी, तो हम उन्हें खाली करेंगे, और ओडोमॉस क्रीम होती है उसे लगाएंगे, और मच्छरदानी का यूज़ करेंगे, कॉयल आती है वो यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। यहाँ पर और क्या क्या सीखने के लिए मिला? बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है, अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा सफाई, अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, और बचाव दवाइयों से ज़्यादा बचाव इस्तेमाल करें। क्या लगता है ये जो अवेयरनेस किया जा रहा है इससे वाकई चीज़ें रुकती हैं? हाँ, इससे रुकती है, मतलब सबको पता चलता है कि सिखाया जो मतलब आपको लग रहा है कि आप घर में ये कर पाओगे? हाँ, कर पाएंगे, अपने मतलब घर में साफ सफाई रखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। हाँ? और दूसरों को भी बता सकते हैं कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है और मच्छरों को पनपने नहीं देना है। कहाँ पे रहते हो आप? मैं आश्रम में रहती हूँ। अच्छा, क्या वहाँ पर आसपास में आपके यहाँ ऐसा रहता है पानी इकट्ठा? मेरी कॉलोनी के आसपास तो नहीं, लेकिन रोड के आसपास कई जगह मैंने देखा है जहाँ पानी है और जहाँ मच्छर मक्खियाँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ सफाई होती है लेकिन उतनी डेली नहीं हो पाती। तो फिर आप क्या भूमिका निभाओ, कैसे निभाओ? मैं सबसे पहले तो वहाँ जो आसपास बच्चे होते हैं मैं उन्हें कहती हूँ प्लीज़ आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, और जब भी आएँ तो अपने को बिल्कुल अपने सेफ कर कर आएँ और उससे थोड़ा दूर ही खड़े रहें। और जहाँ जो सफाई करते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, मैंने एक दो बार करा भी है, कि आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार किसी को डेंगू हो गया तो उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो देख सकते हैं कि बच्चों ने काफ़ी चीज़ें सीखी है, और हो सकता है पहले से भी सीखा हो। यहाँ पर डिस्प्ले में भी तमाम चीज़ें रखी गई हैं जिससे कि इसे कंट्रोल किया जा सके। देख सकते हैं कि ये फिश रखी गई है, ये अलग अलग। हाँ सर बताएं, क्या ये गम्बुजिया फिश है? हाँ। जो लार्वा को खा जाती है, जो मच्छर होता है उसके लार्वा को खा जाती है, गम्बुजिया फिश होती है, जिसको हम जितने भी चैनल होते हैं, चाहे इंडिया गेट का चैनल है या बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं या जितने भी वो हैं हमारे यहाँ पानी वाटर बॉडीज हैं, सब में ये मछलियाँ डाल देते हैं ताकि गम्बुजिया फिश उसके जो लार्वा होते हैं उसको खा जाए। ठीक है, ये हमारी इस काम आती है। और ये दूसरा मच्छर का लार्वा है, ये जो देख रहे हैं आप एडीज का, ये पानी में बिल्कुल बहुत तेज़ी से भागता है। ठीक है, ये हम लोग ट्रेस करके लाएँ बच्चों को दिखाने के लिए स्पेशली। अच्छा। कि बच्चे इस चीज़ को समझें, कोई लोग कहते हैं इसको ये पानी का कीड़ा, पानी का कीड़ा नहीं बल्कि ये लार्वा है। अच्छा। एडीज मॉस्किटो का, और इसकी सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ पानी में ही पाया जाता है ये, तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए ये सब बच्चों को दिखाने के लिए सामने रखी है। अच्छा, तो ये जो मच्छर अगर फैलता है, मतलब बड़े बड़े जगहों पर आप लोग झरने वगैरह में ये डालते हो? ये सारे जितने भी गम्बुजिया फिश हैं, हम जितने चाहे इंडिया गेट के चैनल हैं या जितने बड़े बड़े चैनल हैं सभी में डाल देते हैं जाकर के, ताकि अगर मच्छर में अंडे दे के जाए तो लार्वा को भी खा ले। तमाम दवाई सामान भी रखे हैं, ये डिस्प्ले मतलब छिड़काव हो रहा है कि नहीं इसका? देखिए, ये जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे ये मशीन हमारी अगर आप देखें तो इस मशीन से हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे कैसे करते हैं, जो एडल्ट मॉस्किटो दीवार पर बैठता करके उसकी हमारे पास दवाई होती है, हम इसमें घोल बनाते हैं और घोल बनाने के बाद दीवारों पर स्प्रे कर देते हैं। जब मच्छर वहाँ के बैठेगा तो मर जाता है वो मच्छर आकर के। ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे हम कूलर में डालते हैं या पानी में डालते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, ये सारी दवाइयाँ इस टाइप की यूज़ होती हैं। ये हमारी फॉगिंग मशीन होती है, जब ज़्यादा केस स्टार्ट हो जाते हैं और हमको लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा था तो हम फॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उम्मीद की जाए कि आप लोग जितने अवेयरनेस फैला रहे हैं इससे इस बार एनडीएमसी इलाके में डेंगू का खतरा खत्म हो जाएगा? देखिए, हम हर साल पूरी कोशिश करते हैं और हर साल हमारा जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है, उसका कारण अवेयरनेस होती है। अब आप देख रहे हैं ना, बच्चों को हमने बुलाया, सब बच्चों को, और उसके बाद हम RWA MTA सबको बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं इसी तरह की। उसके बाद में हमारे इंजीनियरिंग कैडर का जो स्टाफ होता है उनको भी बुला करके हम ट्रेनिंग देते हैं और सबको बताते हैं कि भाई आपको अपने क्षेत्र में किस तरह से ये वाटर बॉडीज़ को ख़त्म करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जानकारी बचाव है, और अगर जितना आप अवेयर होंगे उतने ज़्यादा आप इन जलजनित बीमारियों से बच सकते हैं, और इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा मैसेज दिया जा रहा है कि वो घर तक संदेश पहुँचाएँ और डेंगू मलेरिया ऐसी जो घातक बीमारियाँ
बरसात के बाद दिल्ली में फैलती है उसे फैलने से रोका सके। लेकिन देखना होगा कि जो कोशिश है वो कितनी रंग लाती है। लेकिन ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बीते सालों के मुकाबले इसमें काफ़ी कमी आई है। NDMC से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।